नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे टाटा कॉफ़ी के शेयर की न्यूज़ के बारे में और सीसीएल प्रोडक्ट्स के शेयर के न्यूज़ के बारे में और जयश्री टी के शेयर के टारगेट क्या होंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो क्या दोस्तों, अब इन शेयर्स में फ्रेश पोजीशंस बनाई जा सकती है या अभी होल्ड करें, अभी और क्या टारगेट हो सकते हैं, इस पर दोस्तों डीप में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों हमें कंप्लीट वीडियो देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोस फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया करें। तो चलिए दोस्तों हम आगे मूव कर रहे हैं कुछ शेयर्स के बारे में, खासतौर पर टाटा कॉफी के बारे में, सीसीएल प्रोडक्ट्स और जयश्री टी के बारे में। तो सबसे पहले न्यूज क्या थी जिसकी वजह से आज गिरते हुए मार्केट में भी आज ये तीनों शेयर लगभग कह सकते हैं, टाटा कॉफी ने 10% का मूव, सीसीएल प्रोडक्ट में लगभग अपर सर्किट के पास था 20% के आसपास और जयश्री टी भी लगभग अपर सर्किट के आसपास पहुंच गया था। तो तीनों ही शेयर्स ऐसे क्यों भागे? तो एक न्यूज निकल के आ रही दोस्तों, फ्रीजिंग वेदर इन ब्राजील फ्रोथ कॉफी स्टॉक्स इन इंडिया। तो जो ब्राजील का वेदर है उसकी वजह से कॉफी वहां पे डैमेज हो रही है और मेजर जो कंट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड में वो ब्राजील है और कॉफी में हम लोग इंडिया में भी काफी ज्यादा सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट होता है। तो काफी ब्राजील के वेदर का फायदा इंडिया को मिलता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं ब्राजील का वेदर की वजह से वहां का कॉफी जो रीजन है वो फसल वो बर्बाद होने की चांसेस है। तो जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक्स कॉफी के स्टॉक्स काफी अप जाने के चांसेस हैं, हालांकि अब चल रहे हैं लेकिन अभी और भी जाने के चांसेस हैं। जो मेजर जो कंट्रीब्यूटर है जो कॉफी में वो टाटा कॉफी है और सीसीएल प्रोडक्ट्स है कॉफी में, और इसके अलावा और भी जयश्री टी एंड अदर कंपनीज हैं। द मेजर रीजन इज वेदर फोरकास्ट ऑफ ब्राजील हैव प्रेडिक्टेड द अनदर फ्रॉस्ट विल हिट द नेशन नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक कहीं ना कहीं वहां आने के चांसेस हैं अनदर, तो उसकी वजह से काफी कॉफी का काफी लॉस होगा और इंडिया मेजर एक्सपोर्टर है कॉफी का, तो अभी कम से कम एक हफ्ते से 10 दिन इनमें और भी बुलिश नजर आ सकता है, खासकर कोई टाटा कॉफी और सीसीएल प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स में। तो ये एक अच्छी चीज है, बुलिश ट्रेंड में है सारे स्टॉक्स, एबिटा लो एबिटा कंपनी है सीसीएल प्रोडक्ट्स, तो ये सारे के सारे फैक्टर वर्कआउट हो रहे हैं। अब दोस्तों चलते हैं इनकी चार्ट की तरफ, जरा चार्ट से देखते हैं कि इनके क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होंगे। तो दोस्तों जिस तरह से टाटा कॉफी चला है तो अब इसमें दोस्तों आपको कहीं ना कहीं अगर आपका 15 दिन से एक महीने का नजरिया है तो अब आपको 200 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए शॉर्ट टर्म में। और जिस तरह का बुलिश मूव आज देखने को मिला, ये स्टॉक हो सकता है 270 के आसपास भी आपको नजर आए। तो 270 तक चूंकि काफी चल चुका है स्टॉक, तो करेक्शंस का वेट करें, अदरवाइज राइड ऑन द मोमेंटम और प्लेस स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस आप प्लेस करें 200 के आसपास और ये शेयर आपको 280-270 के जोन भी दिखा सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम सीसीएल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो सीसीएल प्रोडक्ट्स में भी आज गजब का बुलिश मूव आया है और गजब के वॉल्यूम्स नजर आए हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अब आपको इसमें 420 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर की तरफ 530-540 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, या अभी और भी अपसाइड जाने को देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा करेक्ट हो जाए स्टॉक तभी इस स्टॉक को फ्रेश बाइंग करें। तीसरा स्टॉक है दोस्तों जयश्री टी, लगातार एक कंसोलिडेशन बाद आज इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे भी देखिए आरएसआई 77 के आसपास है और बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अब इसमें भी दोस्तों अब आपको 124 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर की तरफ पहला जो टारगेट होगा 150 और दूसरा टारगेट 165 के आसपास होगा। तो तीनों ही शेयरों में जो बेस्ट चॉइस है वो टाटा कॉफी पे है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा डिप आ जाए तो
220 के आसपास आ जाए तो इसमें फ्रेश बाइंग करी जा सकती है। तो दोस्त और ऊपर का लेवल दोस्तों आपको 280 के आसपास जोन देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में ही है स्टॉक, तो काफी चल चुका है लेकिन अभी भी काफी पोटेंशियल है क्योंकि ब्राजील का वेदर काफी चेंज कर रहा है। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस ऑन दिस थ्री स्टॉक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमें हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़िए। थैंक यू दोस्तों।